योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। भिक्षावृत्ति को जिन लोगों ने व्यवसाय बनाया है उसको मुक्त करने के लिए एक अभियान प्रारंभ होना चाहिए। हमारा प्रयास क्या है, समाज क्या कर रहा है, सरकार और समाज जब मिलकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और इसी दृष्टि से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और वह जिसमें आज समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी यहां आकर के देखे होंगे, मैंने उनको भी कहा था वे आकर के देखें और भिक्षावृत्ति से मुक्ति करने का हो, निराश्रित लोगों के आश्रय का हो या दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, ये सभी कार्यक्रम एक साथ एक जगह एक आश्रम के माध्यम से हम सब देख सकते हैं और यह अद्भुत कार्य है। और इसीलिए आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन एक साथ आपको सहायता करने के लिए यहां पर आया है। ये आपके कार्य को सरकार के स्तर पर मान्यता देना है। मान्यता देने का मतलब इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इसके अब और अच्छे संस्करण हमारे सामने आने चाहिए जो लोगों के लिए नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। और इस विषय इसका विस्तार जिला प्रशासन इसमें आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। जो यहां पे परमानेंट रहने वाले निराश्रित लोग हैं उनके लिए पेंशन की सुविधा, उनके लिए राशन कार्ड की सुविधा, उनके लिए स्वास्थ्य आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा, जो दिव्यांगजन है उनको दिव्यांग पेंशन की सुविधा का लाभ देना, उनको आवश्यक कृत्रिम अंग उपकरण के साथ जोड़ने की कार्रवाई करना, उनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को जोड़ना, ये सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और मुझे लगता है कि एक डॉक्टर दंपति इस कार्य को आगे बढ़ा सकती है और समाज अग्रवाल परिवार श्री राकेश कुमार सिंह का परिवार ये सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम में उनके सहयोगी बनते हैं, यह अद्भुत कार्य है। और मैं इसके लिए इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं अपना घर आश्रम को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की देश के अंदर दुनिया के अंदर एक नई तस्वीर सबके सामने आई है, एक नए भारत का दर्शन पूरी दुनिया कर रही है। इस नए भारत में हर व्यक्ति के लिए अवसर है, उसे आगे बढ़ाने के लिए समाज को आगे आना होगा। डबल इंजन की सरकार इस बात के लिए आपको आश्वस्त करती है कि वाराणसी का प्रोजेक्ट हो या उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर राज्य सरकार केंद्र सरकार इसमें आपको भरपूर सहयोग करेगी। इस उपक्रम को आगे बढ़ाना, अच्छे स्वयंसेवक तैयार करके नई पीढ़ी को इस प्रकार के सेवा के प्रकल्प के साथ जोड़ना, यह एक अभिनंदनीय प्रयास होगा। राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आपके इस पूरे कार्य की सराहना करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारा एक अभियान होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि एक तो इसके विस्तारीकरण की योजना कोई भी निराश्रित सड़क पर न रहे, उसको हम आश्रय स्थल पर लेके आए, अपना घर जैसे प्रोजेक्ट के साथ जोड़ें। कोई भी विक्षिप्त व्यक्ति सड़क पर बेसहारा जहां तहां पड़ा हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई भी सड़क पर भिक्षावृत्ति करता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। इन चीजों के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे और सेवा का प्रकल्प आगे बढ़ेगा तो मेरा मानना है ये हमारी छवि को दुनिया और के सामने, देश और दुनिया के सामने और भी निखारने में सफल होगा। एक बार फिर से अपना घर परिवार के यहां पे वाराणसी के संस्थापक डॉक्टर के निरंजन को, उनके सहयोगियों को जिसमें डॉक्टर कात्यायनी है, यहां पे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह हैं, श्रीमती पूजा श्रीवास्तव हैं और भी अन्य जितने भी लोग इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं,
इन सभी को जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग किया है, जिसमें वैन उपाध्याय जी है, केशव भाई जालान जी है, यहाँ के अन्य जो भी महानुभाव हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि नारायण के रूप में नर की सेवा का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी हमारा पूरा सहयोग होगा और मेरी शुभकामनाएं भी है। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप वाराणसी से सुन रहे थे। कल यूथ सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है। आज उससे पहले वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, Y20 सम्मेलन का वो शुभारंभ करेंगे। काशी पहुंचकर उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, काल भैरव के दर्शन किए और उसके बाद यहां मंच से संबोधित किया और वाराणसी की जनता को आश्वस्त किया कि सरकार उनके विकास के लिए लगातार कार्यरत है, उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वाराणसी में रात्रि में ही विश्राम करेंगे सीएम योगी और कल Y20